हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाखा और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये बेसिक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ये आप सबको मालूम है। और उसमें का एक कोर टॉपिक जो हम बोलते हैं दैट इज़ SFD एंड BMD, इट मीन्स शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऑप्शनल है वो इसमें साइन कन्वेंशन या डायग्राम ये गलत होता है और बहुत सारे मार्क्स चले जाते हैं बोल के ऑप्शन में डाल देते हैं। तो ये चैप्टर कभी भी ऑप्शन में नहीं डालना है, मार्क्स गेनिंग है। सिर्फ इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आप साइन कन्वेंशन एक का फॉलो करते हो तो एक ही फॉलो करना है। इसका मतलब आपने ऐसा नहीं होगा कि इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो और थ्री इडियट्स की बात हो नहीं रही। तो थ्री इडियट्स में मैंने एक डायलॉग सुना था कि आमिर खान बोलता है करीना कपूर को कि एक फ्री में एडवाइस देता हूँ, लेना हो तो लो नहीं तो छोड़ दो। तो वैसा ही मैं बोलूँगी कि SFD BMD के लिए एक पहला एडवाइस जब हम ये सीखने जाएंगे तो पहला एडवाइस ये है कि आप जो साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं या जिसका लेक्चर वीडियो आप फॉलो कर रहे हैं वही साइन कन्वेंशन आप सबके लिए यूज़ करो, एक ही फॉलो करो तो ये जाएगा। आप अगर नंबर ऑफ वीडियोस देखेंगे उसमें अलग अलग साइन कन्वेंशन दिखेंगे तो आपका ये SFD BMD गया समझो हाथ से। तो ये मार्क गेनिंग है, ये आप ऑप्शनल में कभी भी नहीं डाल सकते। तो इसलिए अभी एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम SFD और BMD, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब जैसे कि इसका बेस जो है SOM का दिस इज मैकेनिक्स है, तो इसमें रिलेटेड टू फोर्स दिस इज द शेयर फोर्स। तो इसमें क्या है, फोर्स अप्लाई होता है और ये फोर्स की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आता है बीम में, तो इसका स्टडी होता है SFD एंड BMD में। अब यहाँ पे SFD BMD डायग्राम में जो बेसिक चीज़ें जो आपको दो ध्यान में रखनी पड़ती है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें एक तो रहता है टाइप्स ऑफ बीम आपको मालूम रहने चाहिए, क्योंकि दिस SFD BMD इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू बीम एंड बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई होता है विच इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एंड दैट फोर्स इज एट एन एंगल्स टू इट्स एक्सिस। ये जो फोर्स अप्लाई होता है ये एट एन एंगल टू इट्स एक्सिस, एक्सिस को परपेंडिकुलर हो सकता है या इंक्लाइंड हो सकता है। तो ये बीम का स्ट्रक्चरल मेंबर है, इसके ऊपर जो SFD BMD विद ये फोर्स की वजह से अप्लाई होते हैं, जो शियर फोर्स अप्लाई होता है और बेंडिंग मोमेंट होती है, उसका डायग्राम के कैलकुलेशन ये SFD BMD चैप्टर में आपको मिलेंगे। अब ये इसमें दो टाइप्स आएंगे, पहले तो रहता है ये बीम के टाइप्स, टाइप ऑफ बीम्स, और सेकंड रहेगा इस पे जो फोर्स या लोड अप्लाई हो रहा है, फोर्स और लोड यू कैन से। तो ये जो लोड अप्लाई हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ लोड्स। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। तो ये दोनों के जितने सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कोई बीम अलग रहेगा उसके ऊपर लोड अलग टाइप का रहेगा, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स इन सब के मिला के इसमें क्या बनते हैं, SFD BMD में न्यूमेरिकल बनते हैं। तो हर एक न्यूमेरिकल में आपको अलग अलग टाइप के लोड, अलग अलग टाइप के बीम मिलेंगे, उस तरीके से आप उसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थ्योरी में अगर देखा जाए तो ये दोनों के टाइप्स हैं आपको, और बेसिकली मैकेनिक्स में भी आपने पढ़ा है कि, और SOM में भी जो पहला चैप्टर है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन उसमें शेयर फोर्स क्या रहता है और बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है ये आपने पढ़ा है। तो इतनी ही चीज़ें इसमें थ्योरेटिकल है, बाकी सब ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो इसके लिए ये दो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी, और एक तीसरी चीज़ रहेगी कि शेयर फोर्स यानी ये लोड है उसका जो यूनिट रहेगा न्यूटन, किलो न्यूटन, बराबर है। और चौथी चीज़ इसमें रहेगी कि मोमेंट, आपने मोमेंट पढ़ा है, मोमेंट इज नथिंग बट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू द फोर्स।
तो ये जो आपने पढ़ा इसका जो यूनिट रहेगा दैट इज न्यूटन डिस्टेंस रहेगा मीटर में, तो न्यूटन मीटर और किलो न्यूटन मीटर और न्यूटन एमएम और इस टाइप के इसके क्या रहेंगे, ये यूनिट रहेंगे। तो ये चार चीज़ें अगर आपको मालूम है तो न्यूमेरिकल आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ बीम्स में कैसे कैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है ये आपको पता चल जाएगा। अब हम यहाँ से पहले शुरू करेंगे, ये दो चीज़ें तो आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगी, लेकिन ये डेफिनेशन याद में रखो। शेयर फोर्स तो इट इज़ डायरेक्टली डायरेक्ट फोर्स रहेगा, तो कैसे कैसे लेना है, उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये आपने मैकेनिक्स ने सीखा है। नहीं भी सीखा है तो हम जब ये न्यूमेरिकल लेंगे तो हर एक फोर्स को, अगर इंक्लाइन फोर्स रहता है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, यूडीएल रहता है तो कैसा करना है, वो सब मैं बताऊंगी। अब ये जो मोमेंट है इसका आप फॉर्मूला याद में रखो, मोमेंट इज नथिंग बट द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। तो ये हम सीखेंगे जब न्यूमेरिकल आएगा तब। अब हम स्टार्ट करते हैं ये दोनों टाइप ऑफ बीम्स और टाइप ऑफ लोड्स, तो इसका थ्योरी जो हो जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बीम्स, बीम ये जो रहता है, बीम इज द स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ ए फोर्स एट अ राइट एंगल ऑफ द एक्सिस। ये मैंने बताया इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पे फोर्स सप्लाई होगा टू द एक्सिस, राइट एंगल टू द एक्सिस, इसमें फोर्स सप्लाई होगा। तो बीम ये कैसा रहेगा, एक हॉरिजेंटल कोई भी मेटल पार्ट जो है इट इज कॉल्ड एज अ बीम। अब ये बीम के ऊपर हम कैसे, टाइप्स ऑफ बीम यानी वो प्लेस कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, उससे हम उसको क्या करेंगे, उसको टाइप्स ऑफ बीम में आपको क्लासिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले जो है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज कॉल्ड एज द सिंपली सपोर्टेड बीम, फर्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। यानी इसका मतलब ये बीम है यहाँ पे रखा हुआ और उसके दोनों साइड में सिर्फ सिंपल सपोर्ट दिया हुआ है, ये सपोर्ट के ऊपर उसको क्या किया गया है, ऊपर प्लेस किया गया है या रखा गया है। दिस इज कॉल्ड एज सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट वन एंड दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट टू, बराबर है। सो दिस इज ए बीम विच इज सिंपली सपोर्टेड ऑन दिस टू सपोर्ट्स। अब इसको लाइन डायग्राम में जब न्यूमेरिकल में देखते हैं तो कैसा दिखाते हैं, तो ये ऐसा बीम दिखेगा, इट इज ए लाइन डायग्राम और उसके नीचे ऐसे दो सपोर्ट दिखेंगे, दिस इज एस वन सपोर्ट एंड दिस इज एस टू, सो दिस इज कॉल्ड एज द सिंपली सपोर्टेड बीम। देन अनदर वन इज द फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम को फ्री सपोर्ट बीम भी कहते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम जो बीम दोनों तरफ आप स्लैब में जो बीम डाले हुए रहते हैं वो क्या है, दोनों तरफ से फिक्स्ड है, कोई एक स्ट्रक्चर में वो होल्ड किए गए रहते हैं फिक्स्डली, वो उसकी पोजिशन चेंज नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड बीम। देखो ये कैसे डिनोट करेंगे, इफ दिस इज द बीम देन हियर इज द वन सपोर्ट एंड हियर इज अनदर सपोर्ट, दिस इज यू कैन कॉल्ड एज एस वन एंड दिस इज यू कैन कॉल्ड एज एस टू सपोर्ट। अब ये फिक्स्ड बीम जो रहेगा इसका लाइन डायग्राम यानी न्यूमेरिकल जो रहेंगे उसमें नोट कैसे करते हैं, उसको दिखाते कैसे है लाइन डायग्राम में। सो इफ दिस इज अ बीम तो उसको यहाँ पे दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड एज द फिक्स सपोर्ट एस वन, और ये साइड में भी इसको दिखाएंगे दिस इज कॉल्ड एज द फिक्स सपोर्ट एस टू, दिस इज द बीम विच इज शोन बाय ए लाइन डायग्राम। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द बीम, थर्ड टाइप ऑफ द बीम इज कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम, थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम।
अब कैंटिलीवर बीम में क्या रहता है कि एक जो बीम रहेगा वो आपका फिक्स सपोर्ट में रहेगा और दूसरी तरफ उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं रहेगा, वो हैंगिंग पोजीशन में रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द कैंटिलीवर बीम। इट मींस देखो ये बीम है, अब यहाँ की ये जो एक साइड है, ये दो एंड है बीम के, तो ये एक साइड है इसको क्या दिया हुआ है, फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है S1, और दूसरी साइड में कोई भी सपोर्ट नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड एज द कैंटिलीवर बीम। और इसको हम लाइन डायग्राम में कैसे बताएंगे, जैसे ये फिक्स सपोर्ट फिक्स्ड बीम में ऐसा बताया था वैसे ही ये फिक्स सपोर्ट यहाँ पे देखा जाएगा, फिर उसको दिस इज S1 एंड दिस इज कॉल्ड एज द बीम, तो ये क्या रहेगा, दिस इज द कैंटिलीवर बीम शोन इन द डायग्राम व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। तो ये हो गया आपका ए बी सी, तीसरा टाइप हो गया। अब एक चौथा टाइप है इसमें, दैट इज चौथा टाइप जो है दैट इज ओवर हैंगिंग बीम। अब कोई बुक्स में ये ओवर हैंगिंग बीम का कंसेप्ट होगा, कोई इसमें नहीं होगा, लेकिन ओवर हैंगिंग बीम यानी क्या रहता है कि एक जगह के पे उसका फिक्स सपोर्ट है। देखो ये बीम मैंने निकाला है, ये उसके बोथ एंड्स ऑफ बीम, ये दोनों, अब यहाँ पे एक जगह पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है, एक जगह पे फिक्स सपोर्ट है S1, एंड अनदर सपोर्ट इज हियर विच इज सिंपली सपोर्ट। ये कौन सा सपोर्ट है, सिंपली सपोर्ट, दिस यू कैन कॉल्ड एज ए S2। अब क्या हो गया, S1 और S2 के बीच में यहाँ पे सिंपल सपोर्ट वो बीम को मिल रहा है, यहाँ पे उसको फिक्स सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ये S1 के बाहर जो गया वाला बीम है उसको यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, मीन्स दिस इज द ओवरहैंगिंग पोर्शन ऑफ दैट बीम, सो दैट दिस बीम इज कॉल्ड एज ओवरहैंगिंग बीम। इसको क्या बोलेंगे, ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे। तो आप ये डिनोट कैसे करेंगे, जब न्यूमेरिकल में आपको बताया होगा तो आप इसको लाइन डायग्राम कैसे निकालेंगे, फिक्स सपोर्ट यू हैव टू शो लाइक दिस, S1 यू कैन से हियर, देन अनदर वन हियर इज द बीम, दिस इज बीम, दिस इज द अनदर एंड ऑफ बीम, और यहाँ पे ये सिंपल सपोर्ट है, तो सिंपल सपोर्ट इस टाइप से जैसे ये यहाँ पे बताया गया, देखो सिंपली सपोर्टेड में S1 और S2 बराबर है, तो वैसे ही यहाँ पे जो सिंपल सपोर्ट है वो ओवर हैंगिंग बीम में इस टाइप से लिखा जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज S2, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओवर हैंगिंग बीम। अब ये ओवर हैंगिंग बीम कहाँ पे रह सकता है, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखेंगे तो विंडोज़ के ऊपर जो स्लैब का पोर्शन आया हुआ है, हम क्या बोलते हैं उसको, छज्जा, बराबर है, तो दैट इज दैट कैन बी वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल फॉर ओवर हैंगिंग बीम। अब लास्ट वाला जो बीम का टाइप है दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बीम, दैट इज द कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बीम। अब ये कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बीम में क्या रहेगा, ये दिखेगा तो ओवर हैंगिंग या सिंपली सपोर्टेड बीम के जैसा, एक जगह फिक्स होगा एक जगह सिंपली सपोर्टेड होगा, लेकिन उसमें क्या रहता है कि ये बीम की लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है। ये मैंने बीम लिया है बराबर, अब यहाँ पे मैं छोटा निकाल रही हूँ, लेकिन आप इसको अज्यूम करो कि इट इज हैविंग अ वेरी लार्ज लेंथ, तो ये लार्ज लेंथ वाला यहाँ पे समझो उसका फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे उसको सिंपली सपोर्ट दिया हुआ है ये बीम को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये लॉन्गर बीम है तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, इसको बीच में सपोर्ट देने पड़ते हैं बराबर है, छोटे छोटे सिंपल सपोर्ट देने पड़ते हैं, तो इसलिए ऐसे जब सिंपल सपोर्ट छोटे छोटे बीच में दिए जाते हैं तो लॉन्ग लेंथ बीम जो रहता है इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। तो ये कंटिन्यूअस बीम भी ऐसे ही लाइन डायग्राम आप में दिखाया जाएगा, दिस इज द फिक्स सपोर्ट S1, दिस इज द सिंपल सपोर्ट S2, एंड हियर आर द वेरी स्मॉल सपोर्ट्स गिवन इन बिटवीन द लेंथ ऑफ द बीम, तो दिस इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस बीम। अब आपने ये जो पांच टाइप पढ़े हैं, देखो ये पांच टाइप में से न्यूमेरिकल में कोई भी बीम आपको बोला जाएगा, आपको जब न्यूमेरिकल का लैंग्वेज आप जब पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही लाइन होगा अ कैंटिलीवर बीम,
अ फिक्स्ड बीम, अ सिंपली सपोर्टेड बीम और अ ओवरहैंगिंग बीम। इसका मतलब है वो वर्ड पढ़ के ही आपको समझ जाना है कि आपको कौन से टाइप का बीम इसमें से बताया गया है। ये चीज़ एक बार समझ में आ गई तो फिर नेक्स्ट हम कहाँ पे जाने वाले हैं, टाइप्स ऑफ लोड्स। इसका ही कॉम्बिनेशन रहेगा, आपको कैंटिलीवर बोल दिया तो आप कौन से इसमें जाएंगे, ये कैंटिलीवर बीम, और उसके बाद में उसके लोड्स देखेंगे कौन कौन से आएंगे। आपको अगर सिंपली सपोर्टेड बोला है तो आप इसमें जाएंगे और उसके बाद में उन्होंने जो न्यूमेरिकल्स में लोड्स वगैरह दिए हैं वो इस पर प्लेस करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बीम्स, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कंटिन्यूस बीम। तो दीज फाइव आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लोड्स। अभी मैंने जो सेकंड पॉइंट बोला था उसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लोड्स, टाइप्स ऑफ लोड्स। अब टाइप ऑफ बीम तो देख लिए, अब हर एक कौन से भी बीम के ऊपर लोड कैसे एक्ट होगा उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि शियर फोर्स कैसे आएगा और बेंडिंग मोमेंट वो बीम की कैसी रहेगी। अब टाइप्स ऑफ लोड्स में एक पहला लोड तो आप सबको मालूम है, दैट इज सिंपल लोड, और यू कैन कॉल इट एज अ पॉइंट लोड। बहुत इजी है कि कोई भी बीम है और उसके ऊपर सपोज ये आपने बीम बोल के ट्रीट कर लिया, तो इसके ऊपर मैंने ये यहाँ से एक लोड लगा दिया तो दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट लोड। ये पॉइंट पे मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट लोड, बराबर है। तो दिस इज द सिंपल पॉइंट लोड एंड ये डिनोट ऐसे करते हैं कि सपोज ये बीम है तो उसके ऊपर पॉइंट लोड इस टाइप के एरो से आप अप्लाई करेंगे। इस टाइप का एरो जब दिखाएंगे सो दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट लोड, यहाँ पे ये लोड अप्लाई होगा पॉइंट लोड। और ये लोड रहेगा आपका, टाइप्स ऑफ लोड रहेंगे आइदर न्यूटन में और किलो न्यूटन में, कौन से भी न्यूटन और किलो न्यूटन में, तो ये रहेगा पॉइंट लोड। अब दूसरा जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द UDL, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस इज यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ये कैसे दिया दिखाया जाता है, देखो ये बीम है, बराबर है, ये बीम है और इसमें मैंने दूसरा लोड सपोज दिया है ये टाइप का लोड, और मैं इस पर पूरा ऐसा लोड डाल रही हूँ, ठीक है। अब ये जो लोड है, ये लोड इसमें पूरी ये सरफेस पे पूरा एक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो लोड है वो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज द UDL और यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम इसको बोल सकते हैं। ये पूरे सरफेस पे एक्ट होता है। तो ये दिखाया कैसे जाता है वो देखिए, अगर ये बीम है, ये बीम है और ये बीम की ये लेंथ है पर्टिकुलर लेंथ, तो ये लेंथ के ऊपर अगर पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरा, तो उस पर कैसे दिखाएंगे, इसका दिखाने का जो सिंबल है दिस टाइप, ये क्या हो गया है, ये है तो लोड लेकिन ये पूरे एरिया पे एक्ट हो रहा है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये लोड जो है ये एक्ट हो रहा है और इसको बोलेंगे डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सॉरी न्यूटन पर मीटर, यानी ये लेंथ जो अगर मीटर में है तो इतने मीटर पे ये लोड क्या होगा, इतने न्यूटन का लोड इतने सरफेस पे इक्वली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब ऐसा नहीं है कि ये पूरे बीम के लेंथ पे ही एक्ट होना है, कहीं न्यूमेरिकल्स में ऐसा रहता है कि ये बीम है इसके दो एंड्स हैं और ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट होगा और इतना पोर्शन जो है समझो हाफ पोर्शन वहाँ पे क्या होगा, ये UDL एक्ट होगा W न्यूटन पर मीटर, यानी ये इतने मीटर में ही एक्ट है, इतना जो लेंथ है यहाँ पे ही वो सिर्फ क्या होगा एक्ट होगा। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बीम के आइदर पूरे इस पे एक्ट, पूरे लेंथ पे एक्ट होता है या पार्शियली भी एक्ट हो सकता है, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखिए, इसको पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, सपोज ये बीम लिया,
दिस इज द लेंथ जिस पे ये लोड एक्ट हो रहा है, बराबर है, और यहाँ पे मैंने उसको यूडीएल इस टाइप से दिखा दिया है, विच इज हैविंग द डब्ल्यू एज अ लोड इन न्यूटन पर एल, ये लेंथ है मीटर में, ये लेंथ है मीटर में, इसमें मैंने वो ये डब्ल्यू लोड एक्ट कर दिया है। अब इसको मुझे पहले जब कैलकुलेशन करना है तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ये बीम ऐसे ही निकालेंगे सेम यही लेंथ का, और उसके बाद में ये जो लोड है ये लेंथ है उसके मिडल सेंटर लेंगे। अब ये सेंटर जो अब जहाँ पे आएगा यानी L बाई टू, ये डिस्टेंस कितना रहेगा उसका L बाई टू, ये वाला डिस्टेंस, ये L बाई टू, दिस इज L बाई टू, यानी ये इसका मिड पॉइंट रहेगा। अब मिड पॉइंट पे ये UDL का हम क्या बताएंगे, पॉइंट लोड बताएंगे। बताने के लिए है, कैलकुलेशन कैसे करने हैं वो हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब सीखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में ये न्यूमेरिकल हम UDL ऐसे ही नहीं ले सकते, हमें इस UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, ये जितने लेंथ पे वो UDL है पार्शियली हो तो इतना पार्शियल लेंथ ही लेना है, फुल लेंथ है तो फुल लेंथ लेना है, पार्शियल लेंथ होगा तो इसका मिड पॉइंट निकलेगा, समझ लो ये, ठीक है। तो मैंने अभी ये लेंथ लिया है, इसके ऊपर UDL है तो इसका मिड पॉइंट लेंगे, और मिड पॉइंट में L बाई टू, L बाई टू इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया हाफ हाफ ऑफ दिस L, और उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। अब पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा कि ये जो W दिया हुआ है, ये W उसका वेट, उसके बाद में इन टू L लेंथ बाय टू, W इन टू L बाय टू न्यूटन, दिस इज द पॉइंट लोड एक्ट ऑन दिस बीम एंड दिस इज द कन्वर्जन ऑफ दिस UDL। तो ये आपका हो गया UDL, ये तीसरे दूसरे टाइप का जो लोड है, और हम टाइप्स ऑफ लोड जो पढ़ रहे हैं उसमें दूसरे टाइप का लोड है UDL। अब तीसरे टाइप का जो लोड है, हालांकि वो आपके सिलेबस में या बहुत एडवांस में जब स्टडी होती है तब वो आता है, तो आपके सिलेबस में तो वो रहेगा नहीं, बहुत एडवांस स्टडी में वो रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द UVL, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका मतलब क्या है, सपोज ये बीम है, बराबर है, अब ये बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कैसे दिखाते हैं, तो ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इस टाइप का दिखता है, ये ऐसा है रहेगा, ये पॉइंट, ये एक लेंथ है, ये अनदर एंड है बीम का, और ये बीम के अनदर एंड में देखो यहाँ पे ये लोड है, यहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे उससे थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे ये वेरी करेगा। आप जैसे जैसे बीम की ये लेंथ से ये एंड से ये एंड तक जाएंगे तो ये लोड वेरी करता चला जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ये आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल भी नहीं है, एडवांस स्टडी में आते हैं, तो इसलिए हम टाइप्स ऑफ बीम में, टाइप्स ऑफ बीम तो सब आएंगे आपको, फिक्स बीम आएगा, सिंपली सपोर्टेड आएगा, ओवर हैंगिंग आएगा, कैंटिलीवर आएगा, ठीक है। तो ये चारों टाइप्स की बीम में दो टाइप के लोड आप सीखेंगे, लोड लेके आप कैलकुलेशन करेंगे। तो लोड कौन सा रहेगा, पहला रहेगा पॉइंट लोड और दूसरा रहेगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो इसको कन्वर्जन मैंने बता दिया है कैसे करना है। अब ये टाइप्स ऑफ लोड्स, और पहला मैंने बताया था टाइप्स ऑफ बीम्स, ये दोनों टाइप्स ऑफ बीम, ये दोनों के आप जितने कॉम्बिनेशन करेंगे उतने न्यूमेरिकल बनते चले जाएंगे। तो अब ये जैसे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कौन से टाइप का बीम है, कौन से टाइप का लोड एक्ट हो रहा है। ये अगर ध्यान में आ गया तो आपका एक न्यूमेरिकल जो है, आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, वो पढ़ के एक फिगर बन जाएगी। फिगर बनने के बाद कैलकुलेशन कैसे करने हैं, वो याद कैसे रखने हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।